तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनकी शैलेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करेंगे बिरला मंदिर के बारे में। बिरला मंदिर भोपाल में उपस्थित है। बिरला मंदिर भोपाल के एक पहाड़ पर उपस्थित है जहां से भोपाल का पूरा व्यू दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो बिरला मंदिर भोपाल के सेंटर में आता है जहां से भोपाल का पूरा व्यू दिखाई देता है। बिरला मंदिर के बारे में आपको बता दूं तो बिरला मंदिर में इतनी हरियाली, बहुत ही ज्यादा हरियाली है, वहां पे बहुत ही ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है। तो आइए हम चलते हैं बिरला मंदिर। यहाँ से राजभवन लेफ्ट साइड में है, जहांगीराबाद भी लेफ्ट साइड में है और न्यू मार्केट यहाँ से राइट, जहावरलाल चौक राइट। हमें यहाँ से सीधे जाना है काका जी, सीधे ना क्यों? ये बिरला मंदिर किधर है भैया? हाँ, राइट ना? ओके, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और जिसके बाद हमें आगे से यू टर्न मारकर यहाँ से यू टर्न मारू ना, आगे से लूँ। हम राजभवन की तरफ ही हमने लेफ्ट लिया है, हमें यहाँ से किसी से पूछना पड़ेगा। ये तो नहीं है भैया, बिरला मंदिर किधर है? बिरला यहाँ से राइट होगा यार, ये कैसा, यहां से ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। अंकल ये देखिए, फिर से हील है, विधायक विश्राम गृह लेफ्ट साइड, नवीन विधानसभा सीधे किधर, इधर भैया। बिरला मंदिर किधर है? बिरला मंदिर यहाँ से सीधे फिर लेफ्ट साइड ना? ओके थैंक यू, हमें यहाँ से सीधे जाना है, फिर आगे से लेफ्ट लेना है। जो सिटी बस यहाँ से लेफ्ट ली है उधर ही हमको जाना है। अब हम यहां से लेफ्ट लेंगे, आई थिंक यही बिरला मंदिर होगा।
बिरला मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर यही है। गाड़ी लगाने का किधर? बाइक। ओके, अब हम यहाँ से यू टर्न मार के हम पार्किंग में जाते हैं जहाँ पे हम बाइक लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिरला मंदिर के बारे में जो भोपाल में स्थित है। भोपाल में बिरला मंदिर के नाम से विख्यात लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल के मालवीय नगर क्षेत्र में अरेरा पहाड़ियों के निकट बनी झील के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के निकट ही एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर, मंदसौर और शहडोल आदि जगहों से लाई गई मूर्तियां रखी गई है। यहां शिव मंदिर का शिलान्यास वर्ष 1960 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर कैलाश नाथ कार्जू ने किया था और इसका उद्घाटन वर्ष 1964 में मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के हाथों संपन्न हुआ। मंदिर के अंदर विष्णु जी व लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं के अलावा एक और शिव तथा दूसरी ओर मां जगदम्बा की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर परिसर में हनुमान जी एवं शिवलिंग स्थापित है। वहीं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बना विशाल शंख भी दर्शनीय है। मंदिर की स्थापना के समय पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ ने बिरला परिवार को शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन देने के साथ ही यह शर्त भी रखी थी कि वहां इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में एक भव्य तथा विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। मंदिर के उद्घाटन के समय यह विशाल विष्णु महायज्ञ भी आयोजित किया गया था। तो फाइनली अब हम आ गए हैं बिरला मंदिर के पास में, तो आइए चलते हैं हम बिरला मंदिर लेफ्ट राइट, क्योंकि ये रोड जो है बहुत चलता है। अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ बिरला मंदिर, ये है बिरला मंदिर का मेन गेट, तो आइए हम इससे एंटर करते हैं। बिरला मंदिर भोपाल का बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, यहाँ पे हर एक टूरिस्ट यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है और ये दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये चलते हैं, ये है मेन गेट, यहाँ पे चलते हैं। ये है बिरला मंदिर। यह जूता घर जो यहाँ मंदिर की तरफ से निशुल्क सेवा है, तो आइए हम जूते यहीं पर रखते हैं। फिर काका जी आ जाओ, सॉक्स पहन के जा सकते हैं ना? ओके, सॉक्स पहन के जा सकते हैं आप। ये लीजिए, टोकन ले लो, टोकन 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 टोकन। कभी कभी एक छोटी सी गलती ना नुकसानदायक हो जाती है। वैसे आज हमारे साथ में होने वाला था। यह है बिरला मंदिर, आप देख सकते हैं, और जिसके बाद मैं अंदर जाने का रास्ता शायद उधर से होगा। यह है हमारा बिरला मंदिर जो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, हरियाली है। और ये है बिरला मंदिर, यहाँ पे दर्शन के लिए दर्शनार्थी अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये वो गेट है और ये मंदिर है, और यहाँ पे आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। और भोपाल का बहुत ही पॉपुलर मंदिर है बिरला मंदिर, और मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर लास्ट में हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। उधर निकलने का, उधर जाने का रास्ता किधर है? हाँ इधर ना, तो आइए मैं आपको भोपाल का व्यू दिखाता हूँ। बिरला मंदिर से भोपाल का पूरा व्यू दिखाई देता है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या काका जी, ये वही तालाब है क्या जहाँ से हम अभी आए हैं? हाँ देखिए,
बहुत बड़ा मंदिर है, बिरला मंदिर। बहुत यहाँ पे मॉर्निंग में और शाम को बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है। मैं दिखाता हूँ आपको भोपाल का व्यू, ये देखिए। पूरा घूमने के बाद हमारा ये मंदिर आ जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से पूरा भोपाल दिखाई देता है। हाँ मैं दिखाऊंगा ना वो भी, ये देखिए। इधर की साइड जो भी है, जो कि ये दिखाई देता है वो भोपाल है, पूरा भोपाल है। यहाँ से बिरला मंदिर से पूरा भोपाल दिखाई देता है। और इसके बाद एक्चुअली ये क्या है, ये जो बिरला मंदिर है पहाड़ी पहाड़ पे बना हुआ है। इधर देखिए, ये आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाई देगा, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। और इधर देखिए, पूरा भोपाल यहाँ से दिखाई देता है। बिरला मंदिर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से हम पूरा भोपाल देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, इधर की जो साइड में जो जितने भी ये दिखाई दे रहा है, आपका पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, वो पूरा भोपाल ही है। और भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है, भोपाल के शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने भोपाल पूरा देखा नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि भोपाल के बीचों बीच में है। इधर देखिए, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो आइए हम भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि पहले वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी है सब कुछ वो हमारे भगवान ही है। तो आइए हम भगवान के दर्शन करते हैं। काका जी, हम वहाँ पहुँच गए। मेरे काका जी बहुत फास्ट है, कितना भी लगे सो उनके पास में, लेकिन निकल लेते हैं वो। अब दर्शन करने का बोलूंगा मैं, तो सबसे पहले वो ही दर्शन करेंगे। दर्शन करें अंदर, हाँ अंदर करें, अंदर आ जाओ, चलें चलते ना साथ में, हम आ जाओ, हम फाइनली भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बैग अंदर रख देंगे ना वहाँ पे बाहर, तो फाइनली हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है, ओके ठीक ठीक है अंकल जी, यहाँ तक तो कर ले, हम यहाँ तक कर ले। ओके ओके, सॉरी गाइस, मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि पुलिस अंकल ने मुझे बोला है कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मैं यहाँ से आपको भगवान के दर्शन करा सकता हूँ, ये देखिए। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अंदर जाएंगे, बट कैमरा लेके अलाउड नहीं है। हम आपको अंदर के दर्शन करा सकते हैं। वो जिस सामने जो बैठे हुए हैं वो भगवान ही है हमारे, वही हमारे बिरला मंदिर है। तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप, हम अंकल काका जी सीधे चले। अब मैं आपको जो सामने का जो गेट है, मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। ये है हमारा भगवान के जस्ट सामने का मेन गेट,
अगर आप पीछे की साइड से अगर आप आ रहे हो तो आप पीछे भी एक रास्ता है, मंदिर के पीछे भी एक रास्ता, आप वहाँ से भी आ सकते हो। अगर आप सामने से आ रहे हो, सामने से एक रोड गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, लेकिन अगर आप सामने से आ रहे हो तो आप मेन गेट से भी आ सकते हो। तो ये वही मेन गेट है जो सीधे मंदिर के पास में लाता है। अगर आप पीछे से आओगे तो घूमते हुए आना पड़ेगा आपको, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छा मंदिर है बिरला मंदिर, जो भोपाल में स्थित है और बहुत ही पॉपुलर है। तो आप जब तो फाइनली दोस्तों हम बिरला मंदिर से अब बाहर निकल रहे हैं, और क्योंकि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, तो ये है बाहर जाने का रास्ता जहाँ से हम आए थे। और अगेन मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। ये है बिरला मंदिर। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बाजू में ना एक घंटा होगा, उसको भी बजा देना है, ठीक है क्या? अरे इनको जूते के लिए वो दो यार, क्या बोलते हैं, टोकन। मंदिर में आने से पहले हमने एक जूते अपने जूते रखे थे ना, तो जूते ले रहे हैं अब हम। ओके थैंक यू सो मच, लव यू।